नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन डीलर। GST कंपोजिशन डीलर कौन से होते हैं और रेगुलर डीलर्स, इनके बारे में आज थोड़ा हम डिफरेंशिएट देखेंगे कि इनको कंपोजिशन डीलर्स कब कब और उनके राइट्स क्या होते हैं, उनको कब परचेज कितना उनका वॉल्यूम होना चाहिए ईयरली बेसिस पे, और रेगुलर और कंपोजिशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कंपोजिशन डीलर के नाम से मैंने ये बना रखा है नोट्स, इसको मैं आपको बताता भी जाऊंगा और इवन आपको एक्सप्लेन भी करूंगा प्रॉपर हिंदी में भी, ताकि कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, अ कंपोजिट डीलर इज डीलर हुज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडेड ₹50 लाख एंड ऑप्टेड एज कंपोजिशन डीलर। अ कंपोजिट डीलर नाइदर टेक इनपुट टैक्स ऑन परचेस और नॉट टू कलेक्ट ड्यूरिंग सेल ऑफ गुड्स। इनका मतलब ये हुआ कि एक कंपोजिशन डीलर जिसके पास GST नंबर तो है लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम का है, कंपोजिशन का है, तो वो उनको अपना एनुअल टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ तक ही रखना होता है, मतलब वो 50 लाख रुपीज़ से अबव नहीं कर सकते। दूसरा, कंपोजिशन डीलर में अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आप अपने परचेस का इनपुट नहीं ले सकते और आप जो मटेरियल सेल करते हैं उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। हालांकि इसमें यह है कि आप जो सेल कर रहे हैं, आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 लाख है और आपकी मंथली सेल सपोज़ कीजिए कि 2 लाख हो जाती है, तो आपको उस पर 1%, 5% या 6%, ये एक स्लैब है कंपोजिशन स्कीम में, 1 से लेकर 6 तक जिस भी टैक्स रेट में आप आते हैं वो 1% आपको एवरी मंथ क्वार्टर बेसिस पे ये पे होता है, आपको पे करना है। लेकिन आपको सेल में GST नहीं लगाना है और परचेस का जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, GST आप जो दे रहे हैं वो SGST और CGST है, तो उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा, वो एक तरफ से आपकी कॉस्टिंग का पार्ट हो जाता है। दूसरा, इसी बेस पे रेगुलर में हम बकायदे हमारे परचेस जो हम करते हैं मटेरियल उसका टैक्स हम जो चुकाते हैं परचेजर को उसका इनपुट हम ले सकते हैं, और जो हम सेल के बिल बनाते हैं उनका टैक्स हम वसूल करके डिफरेंस टैक्स को हम डिपॉजिट करते हैं। तो कंपोजिशन में आप इनपुट नहीं ले सकते, रेगुलर में आप इनपुट ले सकते हैं। कंपोजिशन में जो आप बिल बनाएंगे उस पर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, रेगुलर में आप टैक्स चार्ज जो करते हैं वो आपको करते रहना है। दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट सेल मटेरियल इन अदर स्टेट वेयर इज ही कैन परचेज मटेरियल फ्रॉम सेम एंड अदर स्टेट टू। इसका मतलब ये हो गया, एक कंपोजिशन डीलर अगर माल सप्लाई करता है तो वो सिर्फ अपने ही स्टेट में उसको बेच सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, तो आप अपना मटेरियल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सेल कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट में आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप परचेस करते हैं तो आप किसी भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं, वो उसमें कोई, आप सेम स्टेट से हैं तो भी आप परचेस कर सकते हैं और अदर स्टेट से आप परचेस कर सकते हैं। रेगुलर में आप किसी भी स्टेट में सेल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका इनपुट परचेस पे जो आपको टैक्स आप चुका रहे हैं उसका इनपुट आपको मिलेगा, और सेल पे जो आप इनपुट जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको डिपॉजिट करना है। थर्ड पॉइंट है अपना, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज GST ऑन सेल ऑफ मटेरियल बट ही ओन मस्ट हैव टू डिपॉजिट GST 1%, 5% और आइदर 6% एज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कंपोजिशन डीलर अपने बिल पे कभी GST नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है। तो उनसे अगर आप मटेरियल परचेस करेंगे तो सिर्फ टैक्स की जो वैल्यू होगी, जो मटेरियल की जो वैल्यू होगी, वही आपको उनको पेमेंट करना है। बट उनका टर्नओवर, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कंपोजिशन डीलर हैं और आपका क्वार्टरली टर्नओवर हो जाता है 5 लाख, तो आपको उस 5 लाख की सेल का 1% डिपॉजिट करना है। अगर आप 1% के स्लैब में आते हैं तो 1%, अगर 5 के आते हैं तो 5, और अगर 6 के आते हैं तो 6। आपके सेल ऑफ गुड्स पे आपको GST गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, और GST का जो आप बिल बनाएंगे उस पे आपको GST चार्ज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, कंपोजिशन डीलर हैव टू मेंशन बिल ऑफ सप्लाई ऑन द इनवॉइस नॉट GST इनवॉइस बिकॉज मटेरियल हैज़ बीन सप्लाइड बट टैक्स नॉट चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि एक कंपोजिशन डीलर
अगर किसी पार्टी को बिल इशू करता है तो उस पर बिल ऑफ सप्लाई मेंशन करना है उनको। हमने कहीं देखे होंगे इनवाइसेस ऐसे जिसमें हम देखते हैं जीएसटी इनवाइस या टैक्स इनवाइस। तो अगर आप कंपोजिशन में हैं तो आप जीएसटी इनवाइस या टैक्स इनवाइस नहीं लिख सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखना है, बिकॉज आप टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं। सप्लाई तो दे रहे हैं, मटेरियल तो सेल हो रहा है, लेकिन आप टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, तो आप बिल के ऊपर जो आपका हेडिंग आएगा दैट विल बी बिल ऑफ सप्लाई। जीएसटी इनवाइस टैक्स इनवाइस रेगुलर जो स्कीम है, रेगुलर जो टैक्स पेयर है, रेगुलर डीलर हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो जीएसटी नीचे चार्ज कर रहे हैं। तो रेगुलर में आपको अगर इनवाइस बनाना है तो आपको वहाँ पे जीएसटी इनवाइस लिखना है, और अगर आप कंपोजिशन में हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखना है। एक और पॉइंट है, इफ़ रेगुलर डीलर परचेज मटेरियल फ्रॉम कंपोजिशन डीलर एंड एज कंपोजिशन डीलर कांट चार्ज जीएसटी ऑन मटेरियल बट रेगुलर डीलर हैव टू चार्ज जीएसटी ऑन सेम मटेरियल ड्यूरिंग द सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रेगुलर डीलर किसी कंपोजिशन फर्म से मटेरियल परचेस करता है तो ऑब्वियसली जो उसको इनवाइस मिलेगा वो बिल ऑफ सप्लाई होगा और उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि जिन्होंने परचेज जो किया हुआ है वो है कंपोजिशन डीलर से परचेस किया। लेकिन अगर उसी मटेरियल को, उसी गुड्स को वो आगे सेल करते हैं तो उनको उस गुड्स पे 1% टैक्स लगाना है, बिकॉज ही इज़ अ रेगुलर डीलर। तो कंपोजिशन डीलर जिसका टर्नओवर नॉट मोर देन 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, 1%, 5% और 6% के स्लैब में जिसमें आते हैं, उनके अकॉर्डिंग को अपने क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 फाइल होता है, वो GST पोर्टल पे जाके उनको GST रिटर्न फाइल करना होता है। रेगुलर को मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे GST रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें उनको GST R1 और GST R3 भी फाइल करना होता है। और कंपोजिशन डीलर GST इनवाइस ना लिख करके बिल ऑफ सप्लाई मेंशन करते हैं अपने इनवाइस पे, और उनको परचेस पे कभी भी इनपुट नहीं मिलता है। तो जिनका एक लिमिटेड सप्लाई होता है, लिमिटेड एक बिजनेस होता है, जिनका उनको पता है कि हमारा जो टर्नओवर है वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मैक्सिमम होता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बेस्ट है, उनको कंपोजिशन में लेना चाहिए। और जिनका टर्नओवर ज़्यादा है रेगुलर, तो रेगुलर है तो उनको रेगुलर में ही रहना चाहिए। मैं आपको भी एक टैली के अंदर इनवॉइस बना के दिखाता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक रेगुलर डीलर हैं और आपने किसी कंपोजिशन डीलर से मटेरियल परचेज़ किया है तो आप एंट्री कैसे करेंगे अपने टैली के अंदर। तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ टैली ओपन किया हुआ है, यहाँ पे हम वी प्रेस करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आज की डेट डाल दीजिए, कोई सा भी एक इनवॉइस नंबर दे दें। अब यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे भरत ट्रेडर्स है, इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। भरत ट्रेडर्स से सनरी क्रेडिटर्स कंपोजिशन में है, मध्य प्रदेश से है, और उनका जीएसटी नंबर आप अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग जो आपकी पार्टी का हो वो आपको डालना है। इसको सेव कर देते हैं, आगे आते हैं। हम इनसे कुछ भी एक मटेरियल में दिखा देता हूँ, जैसे फ्लोर आटा हम ले लेते कि हम इनसे परचेज़ किया हुआ है अराउंड 30 kg, रेट इज़ 29 rupees, तो ये हो गया 870। अब यहाँ पे आपको परचेज़ देखना है, ये परचेज़ जो आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे परचेज़, आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो एक आपका परचेज़ अकाउंट बना हुआ हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो GST है वो नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है, ये यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा तभी आपका बाहर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स का नहीं आए, टैक्स के कॉलम्स नहीं शो होंगे। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे तो आपको टैक्स की वेरिफिकेशन देनी होगी, वो तो फिर हो जाएगा रेगुलर पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंपोजिशन वाले से जिससे हमने लिया, उन्होंने टैक्स नहीं लिया है हमसे, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और बाहर आ जाते हैं तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर मैं SGST और CGST डालता भी हूँ तो मेरा टैक्स नहीं शो हो रहा है, टैक्स नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये एक अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, तो इन्होंने हमसे टैक्स नहीं चार्ज किया है, तो हम भी बुक्स में ये दिखाएंगे। लेकिन ये जब हम सेल करेंगे तो हम तो जो भी इस मटेरियल की रेट होगी, रेट सपोज़ कीजिए 5% है, तो वी हैव टू पे 5%। ओके, अब यहाँ पे मैं सपोज़ कर लीजिए इसको 5% कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कंपोजिशन डीलर है, हमने कंपोजिशन से मटेरियल परचेस किया, तो हमको यहाँ पे ओनली परचेस अकाउंट करना है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कंपोजिशन डीलर से हम परचेज़ कैसे करते हैं, वो टैक्स की वैल्यू कैसे शो होगा, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।